शिद्दत ड्रामे का आने वाला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है। जब देखता है सुल्तान के मेरी सारी वीडियो अपलोड्स हो चुकी हैं, आखिर कैसे मेरे अकाउंट से मेरी ही वीडियोस इस तरह की नजेब अपलोड हो सकती है। लेकिन सुल्तान को कुछ भी याद नहीं आ रहा कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था, क्योंकि सुल्तान को अब ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे जूबिया भी यहाँ पर आई थी और परीजे भी, इनके साथ एक और लड़की भी मौजूद थी। तभी सुल्तान कहता है कि आखिर क्यों मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर आया जरूर था लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, कहीं मेरा दिमाग पागल तो नहीं हो गया, कहीं मेरा दिमाग मेरे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रहा। तभी सुल्तान कहता है कि मुझे यहाँ से अंदर जाकर पता करना होगा। तभी सुल्तान उसी बिल्डिंग में जाता है, उसी फ्लैट नंबर पर जाता है। तभी कहता है कि इस फ्लैट पर कल कौन आया था। तभी वहाँ का मुलाजिम कहता है कि साहब यहाँ पर तो कोई भी नहीं आया, ये फ्लैट 6 मंथ से ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है। सुल्तान उससे चलाना शुरू हो जाता है। अभी सुल्तान उसे कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैं खुद यहाँ पर कल आया था। ये बात सुनने के बाद वो इंसान कहता है कि अगर तुम कल आए थे तो फिर तुम मुझसे आखिर क्यों पूछ रहे हो। सुल्तान उसे कहते हैं कि मुझे यहाँ की सीसीटीवी फोटो चेक करनी है। तभी वो कहता है मुलाजिम कि यहाँ की कोई भी सीसीटीवी फोटेज आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि यहाँ पर जो भी कैमराज वो सारे खराब हो चुके हैं, इसलिए इसके लिए हम आपके साथ माजरत करते हैं। तभी सुल्तान वहाँ से बहुत ही गुस्से से आ जाता है। तभी कहता है कि आखिर ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा है। सुल्तान को कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी सुल्तान अपने ऑफिस चला जाता है। जैसे ही ऑफिस जाता है सुल्तान का बॉस कहता है कि सुल्तान ये सब कुछ क्या है, तुमने इतनी नाजेब वीडियोस कैसे अपलोड सोशल मीडिया पर कर दी। सुल्तान कहता है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है और आपको कोई राइट नहीं है मेरे पर्सनल मैटर में इंटरफियर करने की। तभी ये बात सुनने के बाद सुल्तान का बॉस उसे काफी ज्यादा डांट कर कहता है कि बस कर दो सुल्तान, इतनी घटिया खेल तुमने खेली है और मैं ये मेरी कंपनी के खिलाफ है, मैं अपनी कंपनी की रेपुटेशन को खराब नहीं करना चाहता। सुल्तान को समझ नहीं आ रही कि आखिर वो किस तरह फंस चुका है। इस तरह से उसके बॉस ने कभी भी उससे बात नहीं की थी, यहाँ तक कि उसका बॉस उसे पूछे बगैर कोई काम भी नहीं करता था और आज उसका बॉस उस पर इतने टॉन्ट कर रहा है। सुल्तान को कुछ भी समझ नहीं आती। तभी सुल्तान कहता है कि अगर इस कंपनी ने मुझे निकाल दिया तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास तो इनकम सोर्स भी कोई और नहीं है। तभी सुल्तान कहता है कि सर मुझे 2-3 दिन का टाइम दे दीजिए, मेरे साथ ये किसी ने गेम खेला है, मैं भला ऐसा क्यों करूँगा। तभी उसका बॉस कहता है कि तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे पास ऑल टाइम होता है और वो भी पासवर्ड, तो कैसे कोई तुम्हारे ही मोबाइल से तुम्हारे ही सोशल मीडिया पर पिक्चर्स अपलोड कर सकता है। सुल्तान तो अब अपना सर पकड़कर बैठ गया है कि आखिर उसके साथ ये सब कुछ क्या हो गया, कौन शख्स है जो उसकी ज़िंदगी के पीछे पड़ा हुआ है, आखिर किसने उसके मोबाइल को यूज़ किया। तभी सुल्तान कहता है यहाँ पर तो जूबिया भी मौजूद थी और परीजे भी, ये सब कुछ कैसे मुमकिन हो सकता है। तभी सुल्तान कहता है कहीं परीजे ने मुझसे बदला लेने के लिए तो ये सब कुछ नहीं किया। तभी सुल्तान को तो अभी सब कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या हो रहा है उसके साथ। दूसरी तरफ अब सुल्तान की सारी वीडियोस अब उसके घर वाले देख लेते हैं और उसकी माँ कहती है उसके बाप सारे हुराफात सुल्तान ने आखिर क्यों किए और ऐसा करने की उसे जरूरत क्या थी, उसे अपनी इज्जत का एहसास नहीं तो कम से कम हमारी इज्जत का ही एहसास कर लेता। तभी उसके बाप से कहते हैं कि जाओ जाकर तुम उसे उठाओ और उसे बताओ ये सब कुछ उसने क्यों किया था। लेकिन सुल्तान तो आराम से सो रहा होता है, सुल्तान को किसी बात का भी नहीं पता होता कि उसकी वीडियोस तो किसी ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी है। जैसे ही उसका बाप कहता है कि आखिर मैं क्या तलत उससे जाकर कहूँ, वो बहुत ही गुस्सा मुझ पर करेगा। तलत कहती है कि आप पर गुस्सा उसे करने का क्या फ़ायदा, मुझे लगता है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर क्यों। मनान उसको उठाओ जाकर उससे पूछो, तुम उसके बाप हो, आखिर क्या तुम उससे ये बात नहीं पूछ सकते। तभी अब्दुल मनान कहता है कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, जब भी बाहर जाता हूँ लोग मुझसे सवाल पूछते हैं और मेरी तरफ बहुत ही बुरी नज़रों से देखते हैं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी तलत कहती है अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं चली जाती हूँ। तभी तलत और अब्दुल मनान जैसे ही जाते हैं सुल्तान के कमरे में तो देखते हैं सुल्तान तो अभी जाग रहा है, सुल्तान सोया भी नहीं है। लेकिन ये देखकर सुल्तान बहुत ही हैरान होता है क्योंकि सुल्तान अभी तो अपनी पूरी नींद भी नहीं उठा होता। तभी कहते हैं कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी ये बात सुनकर कहती है तलत के हमारे जो तुमने रंग उड़ा दिए हैं, हमें लोग बातें कर रहे हैं तरह तरह की, वो तुम्हें नहीं पता और तुम्हें ये लग रहा है कि हम तुम्हारे कमरे में क्या करने आए हैं। ये बात सुनने के बाद सुल्तान बहुत ही हैरान होकर अपने बाप और तलत की तरफ देखता है, कहता है कि क्या कहने का मतलब है आप लोगों का ये सब कुछ। तभी तलत कहती है कि जो कुछ तुमने किया है वो सब कुछ क्यों किया है,
सुल्तान बहुत ही हैरान हो जाता है, कहता है यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आखिर क्या कर दिया है मैंने जो आप मुझसे इस तरह से बात कर रही है। तलत कहती है कि इस तरह की नज़ेब वीडियो अपलोड करने का तुम्हारा आखिर क्या मकसद था। सुल्तान कहता है कि मैंने तो कोई वीडियो भी अपलोड नहीं की और आप मुझसे किस वीडियो की बात कर रही है। तभी तलत कहती है कि लगता है तुमने वीडियो अपलोड कर दी है और तुम्हें भी पता नहीं कि तुमने क्या कर दिया है। ये बात सुनकर अब सुल्तान जल्दी से अपने मोबाइल की तरफ देखता है और देखकर वो जैसे ही अपना व्हाट्सएप चेक करता है कि हर उसके दोस्त ने और हर जानने वाले ने उसको वीडियो भेजी हुई है जो कि सुल्तान के अपने ही सोशल मीडिया से अपलोड की गई है। ये देखकर अब सुल्तान कहता है कि आखिर कैसे ये हो सकता है, ये वीडियो मैंने कैसे अपलोड कर दी, ये वीडियो तो कभी भी मैं अपलोड नहीं कर सकता था। तभी तलत कहती है कि ये सब कुछ क्या है। तभी सुल्तान कहता है कि मुझे खुद नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, फिर से अपना दिमाग पकड़कर बैठ जाता है, कहता है कि ना जाने मेरे साथ कोई खेल खेल रहा है। ये बात सुनकर तलत कहती है कि आखिर कौन तुम्हारे साथ इतना घटिया खेल खेल सकता है। सुल्तान कहता है ये बात तो मुझे भी नहीं पता, अगर पता होती तो शायद आज मैं आपसे ये बात यहाँ पर ना कर रहा होता। तभी सुल्तान कहता है कि बस एक दफ़ा वो इंसान मुझे मिल जाए जिसने ये सब कुछ किया है, उसकी मुझसे खैर बिल्कुल भी नहीं होगी। तलत कहती है कि किसी को ब्लेम देने की बजाय अपने आप पर फोकस करो कि तुम सब कुछ क्या कर रहे हो। तभी तलत कहती है कि सुल्तान ये क्यों किया, क्यों ऐसा करने की तुम्हें ज़रूरत पेश आई, क्या तुम्हें नहीं पता था कि असरा के घर वालों का मामला कितना पजीदा हो चुका है, वैसे भी तुम्हारी और असरा की तलाक का मसला चल रहा है। तभी सुल्तान कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये सब कुछ असरा के घर वालों ने किया है। ये बात सुनने के बाद तलत कहती है कि बस कर दो, अपने गुनाहों को दूसरों के सर पर लपेटने की तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। सुल्तान कहता है कि आपको क्या मैं पागल लगता हूँ जो मैं इस तरह से कर रहा हूँ या इस तरह से वीडियोज़ अपलोड करूँगा। ये बात सुनने के बाद तभी तलत के मुँह से अचानक बेसाख्ता निकल जाता है, क्या पता पागल ही हो गए हो तो ये सब कुछ कर रहे हो। ये बात सुनने के बाद सुल्तान को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी सुल्तान उठकर चला जाता है उसी जगह पर जहां पर उसने ये सब कुछ किया। तभी वह कहता है कि आखिर ये जगह तो बंद है, तो कैसे फिर इस जगह पर मेरे साथ ऐसा हुआ। सुल्तान को अब वो जगह ही नहीं मिल रही और ना ही वहां पर कोई इंसान ही मिल रहा है। लेकिन सुल्तान कहता है कि आखिर किसने ये मेरे साथ किया, उसको तो मैं अब सामने ला कर ही रहूँगा। क्या सुल्तान अब पहुंच चुकेगा नौफल तक या नहीं, क्योंकि नौफल कभी भी उसके हाथ नहीं आने वाला। दूसरी तरफ अब नौफल कहता है कि मैं देखता हूं कि कैसे ये अब करता है, मुझ तक कैसे पहुंचता है, क्योंकि ये मुझ तक कभी भी नहीं पहुंचेगा। दूसरी तरफ अब असरा की माँ कहती है कि असरा को बिल्कुल भी सुल्तान के साथ नहीं जाना चाहिए, मैं बिल्कुल भी इस बात की सुल्तान को इजाज़त नहीं दूंगी कि वो मेरी बेटी असरा को अपने साथ लेकर जाए। अब सुल्तान कहता है कि आखिर कैसे असरा को भी मनाऊं, असरा तो कभी भी नहीं मानेगी।